आदरणे सुनील भैया, पहला गीत सचदेवा भाई, बिल्कुल अच्छा गीत आप लोगों की सेवा में देने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि आज हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में आए हैं, तो हम लोगों का ये फर्ज है कि पहला गीत भगवान कृष्ण के चरणों में हो। और मैं जो ये गीत देने जा रहा हूँ, इसमें सचदेवा भाई आपके लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि अभी 12 नहीं बजा है, रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन राउंड मेरा पहले है, तो कन्हैया लाल को मुझे पहले बुलाना पड़ेगा, मतलब समय के पहले हम भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा तो 12 बजे आप उसका जवाब देंगे, तो आपके जवाब में और 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि आपको वो समय मिलेगा, मुझको वो समय नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी बिन बारिश के मैं बरसात करने वाला हूँ। जय हो, ये आप सुनिएगा, बहुत बड़े बड़े मुझसे भी ज्यादा प्यासा, बस इसी वास्ते थोड़ी सी बचा रखी है। हिंदी दुनिया वालों ने गीत निकाला, अरे उमंगे लिखी है दादाजी, आपके चरणों में नमन वंदन करते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए, मैं एक दुस्साहस कर रहा हूं कि पहला गीत मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, वरना मैं पहले बार कभी नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं, वंदना के बाद आपको कुछ करना है। बिल्कुल, तो सुनिएगा आदरणीय दादा, सुनिए बहुत प्यारा गीत आप लोगों की सेवा में दे रहा हूं। ये प्यार तो है एक धोखा, अरे इसलिए मैंने दिल को रोका, ये प्यार तो है एक धोखा। आदरणीय माननीय सम्मानित परमादरणीय श्री सुनील कुमारी चाचा जी, हमारे फौजी भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुनील भाई दादा की तो बात ही अलग है, पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके चरणों में कोट कोट नमन वंदन है, सुने। ये प्यार तो है एक धोखा, इसलिए मैंने दिल को धोखा, तो हम जिस
बहुत बहुत धन्यवाद। अब सचदेवा भाई गीत की तरफ चलते हैं क्योंकि 11:15 हो चुका है और भगवान का जन्म 12 बजे होगा, लेकिन हम 12 बजने से पहले ही अपने गीत में 12 बजाने जा रहे हैं और जब समय जवाब का आएगा तो 12 बज चुके होंगे आप। बिल्कुल बड़े कैसी सुघर जब पैदा हुए कन्हैया तो जन सुजन मिले, ये लोग एक दूसरे से मिले, हम आप बैठे हैं इनके जन्म पे ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जन सुजन मिले मन सुमन खिले और सुरपुर में बाजा बजे। बात किसे सुनना, जब भगवान कन्हैया का जन सुजन मिले मन सुमन खिले। आदरणीय दादा श्री सुनील भैया जो अंकल जी हैं हमारे फौजी चाचा भैया के, मैं इनके चरणों में कोट कोट नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। जय हो। हाँ हाँ ये बात बहुत बढ़िया। समझते रहना क्योंकि मैं किसी चीज को छुपाता नहीं हूं, सुनेगा पहले। अरे जन सुजन मिले और मन सुमन खिले और सुरपुर में बाजा बजे। देवताओं के यहां बाजा बजे लेकिन इस जमीन पे एक पे दो 12 बजे जमीन पे आसमान नहीं ना। क्योंकि देवताओं के यहाँ समय का कोई फाउंडेशन नहीं था, लेकिन जब कन्हैया का जन्म हुआ तब वहाँ पे 12 बजे क्या हो रहा है, लेकिन हुआ क्या क्या अरे सुरपुर में बाजा बजे हो। एक पे दो अरे एक पे दो 12 बजे जमीन पे एक पे दो 12 बजे देवकी और वसुदेव वो खुश नहीं है, वो खुश इसलिए नहीं है कि अभी तक उनके जितने पुत्र हुए सभी मार दिए गए, सोच रहे हैं ये पुत्र भी जाने कितनी देर का मेहमान है। तो देखिए देवकी कहने लगी अपने पति से, भैया एक बात सुनिए पहले, चार ढोलक बजा रहे हो, बड़ा बहुत सुंदर।
ना जाए पिया। हे मेरे पति रे, मैंने कई बच्चे खो दिए, कई बार मैंने ये गम का जहर पिया, लेकिन ये जो आठवां बालक पैदा हुआ है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे दूर ना हो। क्या बड़े, एक एक बात समझना। देखी कहने लगी, पिया सा पिया कम पिया ने पिया पर पिया ये जहर अब ना जाए पिया। बसदेव जी से हाथ जोड़कर बोली, ये मेरा जिया है, अगर ना जिया तो जिया बिन जिया से ना जाए जिया। एक एक लाइन समझना। और क्या? अब कहने लगी माता, ये दिया जो दिया वो दिया ना दिया, दिया कुल का दिया वो पूछे ना दिया। ये मेरे कुल का अनमोल दिया है, पूछना नहीं चाहिए। क्या बात है बेटे, ध्यान प्रभु का दिया क्या गजब कर दिया, गोकुल का दिया गोकुल पहुंचा दिया, गोकुल पहुंचा दिया, गोकुल पहुंचा दिया। तो देखिए जब बसदेव जी यमुना जी को पार करके, यमुना जी ने भगवान कृष्ण का चरणों तक पान किया, निकल के जब गए तो गोकुल नगरी में जब पहुंचे तो देखिए वहां पे क्या हुआ। क्या बेटे, अरे वहां मंगल साज सजे हैं। क्या बात है बेटे नारायण, वहां मंगल साज सजे हैं और घर घर बाजा बजे हैं। लेकिन एक विशेषता छुपी हुई है इसमें सचदेवा भाई, के पहले छह हुए देवती के पुत्र, पहले छह हुए किंतु वो छह हुए, समझो छह पैदा हुए लेकिन वो छह मारे गए। क्या बात बेटे, और साथ में बलराम जी संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। तो पहले छह हुए किंतु वो छह हुए, अरे बाजा एक बार भी ना बजे। जन्म पे नहीं बजे, लेकिन बाजा बजे तो कब, कब? पहले छह हुए किंतु वो छह हुए, बाजा एक बार भी ना बजे। बजे तो कब, जब एक पे दो, अरे एक पे दो बारह बजे, जब एक पे दो बारह आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हो, जय हो। चरणों में बार बार नमन वंदन है। सुनिएगा, सुनिए। पहले छह हुए किंतु वो छह हुए, बाजा एक बार भी ना बजे। लेकिन जब बारह बजे तो एक पे दो, अरे एक पे दो बारह बजे, हाथ जमी पे एक पे दो बारह बजे। अंतिम बात में देखिए, जब कन्हैया थोड़ी बड़े हुए, गेंद खेलने के लिए गए, रामरतन भैया, कन्हैया जब गेंद खेलने के लिए गए तो थोड़ा गेंद में झटका जोर से लग गया तो वो काली देह में चला गया। और जब गेंद काली देह में चली गई तो देखिए संजय भैया होता क्या है,
क्या होता बेटे? काली देह में जिन्ही गेंद गिरी, भगवान कन्हैया छलांग लगा के उस पे कूद गए, क्योंकि जिसकी गेंद थी वो कहने लगा मैं वही गेंद लूंगा, उसके बदले तुम मुझे चार गेंदे दो तो नहीं लूंगा, मैं वही गेंद लूंगा। बिल्कुल कन्हैया जब गए तो गेंद कालिया नांग के बगल में पड़ी थी, जो ही गेंद उठाने के लिए गए तो उस कालिया नांग की पत्नियों ने रोका कि वहां मत जाइए, अगर मेरे पति जाग गए तो समझ लो तुम्हारा काल आ जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, मुझे तो गेंद देने हैं, इसकी गेंद तो देने ही जिसकी है, बिल्कुल, तो उसको एक लात मार के जगा दिया कि हम पीठ पे वार नहीं सामने से वार करते हैं, बिल्कुल, और जगाया उसको, जब सचेत किया क्योंकि वो सो रहा था। अब कालिया से भगवान किशन की बातें कर रही है, सुनेगा सुनिए, सुनो कालिया तेरा तन कालिया तो सुनिए, सुनो कालिया, जय हो, सुनो कालिया तेरा तन कालिया मन भी कालिया नाम भी कालिया। कालिया कहने लगा सुनो, अरे क्या इन कालिया क्या उन कालिया, जावड़े क्या इन कालिया क्या उन कालिया, क्या आप कालिया क्या और जब चला गया कालिया तो देखिए हुआ क्या, भगवान किशन ने अपने चरण चिन्ह उसके मस्तक पर छोड़ दिए, क्योंकि उसे गरुड़ का भय था, इस कारण से वो काली देह में रहता था। क्या हुआ क्या हुआ, या लाल लाल हर साए यही है, लाल लाल हर साए और बाजा बजे सुहाए। माता का यशोदा कन्हैया को देख के हंसाने लगी, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहां जाने पे एक बार कोई चला जाता था दोबारा लौट के नहीं आता था, लेकिन कन्हैया लाल गेंद को लेके कालिया नांग के ही ऊपर चढ़ के जब वापस आए तो ही लाल लाल हर साए और बाजा बजे सुहाए, सबके द्वारा बजे, सबके द्वारा सजे, सबके द्वारा बजे,
इसमें ढोलक भी अलग बजे। सुंदर सा गीत हमारे मुकेश भैया की तरफ से आया है और इस चक्र को मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय भी ज्यादा होता गया है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये पब्लिक सुनने के लिए आई है तो ज्यादा कुछ भड़बड़ सुने, सिर्फ काम की चीज कहना है। क्या अब मुख में मीठी जुबानी कौन रखता है, परिंदों के लिए अरे पानी कौन रखता है, तो हम ही संभाले रहे लिखे से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, तो मंगे लिखी है जवानी लिखी है जुबा पर हमारी कहानी लिखी है। घड़ियां नहीं चलती थी, बिल्कुल। कन्हैया लाल ने जन्म ले लिया, आपने कहा 12 बजे, जब कन्हैया गोकुल गए तब आपने कहा 12 बजे, तब 12 नहीं बजे, ये बात सही। जब कन्हैया अब 12 बजा है, ये बात सही, इन्होंने जल्दी बजा बजा। इसके 15 मिनट बाद कन्हैया जब जाएंगे गोकुल, जब गोकुल जाएंगे तब तो 12:15 बजे, तब तो 12:15 बजे। ये वही लड़का है, जब कन्हैया जाएंगे तो 12:15 बजे। दादाजी जन्मे अभी है पर जाएंगे 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 12:15।
कन्हैया गए थे सवा बारह बजे। अरे कन्हैया इसको नोट नहीं करना, आइए सुनेगा। देखिए गीत हमारा क्या कह रहा है, इधर कन्हैया को आपने बड़ा कर दिया, गोकुल भेज दिया, अब मैं कन्हैया को दोबारा ला रहा हूँ क्योंकि 12 अब बजे। हम लोग सही सही 12 बजाते हैं। देखो 12 कैसे बजे, कि मन मोहक मोहन है प्यारा, पौने 12 नहीं बज रहा, चार सुनील दादाजी हैं। का किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते, ये ना इंसाफी नहीं करते ना, ना, क्योंकि वीडियो चल रहा है, फोटो भी तो आपकी जाएगी। आओ का चाचा थोड़ा घूम जाइए उधर कैमरे की तरफ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तरफ से 51 रुपए आए। सुनेगा हमारे दादा सुनील कुमार जी आपकी तरफ से ये 51 पदमुद्र आए हुए हैं, बारम्बार आशीर्वादी कामना दादाजी। सुनेगा का धरा रह गया। अरे हुआ है बहुत
की आग तरफ से पुनः 100 रुपए आए हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ, अपनी भूल को स्वीकारता हूँ। हमें ऐसे लोगों पर हमें विश्वास रखना चाहिए क्योंकि ये कभी ना इंसाफी नहीं होने देंगे। ऐसे हमारे दादाजी लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने वाले हैं। सुने बिल्कुल जल्दी हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए।